गेल्या 10 वर्षात प्रत्येक भारतीयाची बदललेली मानसिकता, वाढलेला आत्मविश्वास आणि सुशासन यामुळे भारत विविध क्षेत्रात गरुडझेप घ्यायला सज्ज झाला आहे असं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं आहे. ते आज एका खासगी वाहिनीनं आयोजित केलेल्या भारत पुढच्या मोठ्या भरारीसाठी सज्ज या संकल्पनेवर आधारित शिखर परिषदेत बोलत होते. हरलेल्या मनानं कसलाही विजय मिळवता येत नाही असं पंतप्रधान म्हणाले. पूर्वीच्या सरकारचा भारतीयच्या सामर्थ्यावरच विश्वास नव्हता. त्या सरकारच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार, घराणेशाही यामुळे देशाचा पाया कमकुवत झाला होता असं पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या 10 वर्षात सरकारच्या प्रयत्नांमुळे भारत जगातील सर्वोच्च 5 अर्थव्यवस्थांमध्ये सहभागी झाला आहे असं ते म्हणाले. पिछले 10 वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकालकर यहां लाए हैं. सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आ गया है. आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं. माइंडसेट में बदलाव ने कमाल करके दिखा दिया है. 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है. आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं. आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है. दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है और भारत ने ये भी कर लिया. ये रिएक्शन, अच्छा भारत ने कर लिया, भारत में ये हो गया, ये रिएक्शन आज की दुनिया का न्यू नॉर्मल है. भारत ज्या गतीनं विकास साधत आहे त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाच्या मनात आपण कोणतंही आव्हान सहज पेलू शकतो असा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे असंही पंतप्रधान म्हणाले. मागच्या सरकारांच्या कार्यकाळात जाहीर करण्यात आलेले मात्र रखडलेले लोककल्याणकारी प्रकल्प आमच्या सरकारनं पूर्ण केले असल्याचं सांगताना पंतप्रधानांनी अटल टनेल, सरदार सरोवर आणि महाराष्ट्रातल्या कृष्णा कोयना प्रकल्पाचं उदाहरण दिलं. देशात दैनंदिन आधारावर अभूतपूर्व गतीनं विकास कामं केली जात असल्याचा उल्लेखही पंतप्रधानांनी यावेळी केला. विकास कार्यो से देश की रफ्तार को ऊर्जा मिल रही है. भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं. भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं. भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूएआई ट्रांजैक्शन हुए हैं. भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है. भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है. भारत में हर दिन 50,000 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं. भारत में हर सेकंड 1 नल से जल का कनेक्शन दिया गया है. भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है.